व्यंजन संधि के एक और नियम के अनुसार म के बाद अगर म को छोड़कर कोई और व्यंजन आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। म के स्थान पर म को छोड़कर अगर कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं, यानी ऊपर हम बिंदी लगाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे सम प्लस कल्प, संकल्प, या फिर सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस हार, संहार। इसी प्रकार संरक्षण, संरक्षक, कई शब्द ऐसे हैं जिनमें सम के बाद कल्प म आधा, उसके बाद कोई भी व्यंजन अगर है तो म के स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं, यानी ऊपर बिंदी लगाते हैं। अभी हमने देखा म के बाद अगर म को छोड़कर कोई दूसरा व्यंजन आए तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि म के बाद अगर म ही आए तो क्या होता है। म के बाद अगर म वाला कोई शब्द आता है तो म आधा यूं ही लिख दिया जाता है, यानी म को द्वित्वाक्षर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अर्थात म के बाद अगर म आता है तो उत्तर में भी हम म को द्वित्वाक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण सम मुख, सम्मुख, सम मान, सम्मान, सम मोहन, सम्मोहन। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि म के बाद अगर म आए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, म को यूं ही लिख देना है, सम मुख सम्मुख, सम मान सम्मान, सम मोहन सम्मोहन। व्यंजन संधि के एक और नियम के अनुसार आ आ को छोड़कर अगर कोई स्वर है, प्रथम शब्द में स्वर है, आ आ को छोड़कर कोई और स्वर है, और दूसरे शब्द में स है, तो उत्तर में स के स्थान पर श हो जाता है। ठीक से समझने के लिए आ आ को छोड़कर दूसरा स्वर है और दूसरे शब्द में स है, तो स के स्थान पर श हो जाता है। उदाहरण वी सम, विषम, अभी सीख, अभिषेक। नी सिद्ध, निषिद्ध। यहां पर देखिए अ और आ को छोड़कर दूसरा स्वर है और स अगर जुड़ा
तो स के स्थान पर हमने मूर्धन्य ष लिखा। व्यंजन संधि के एक और नियम के अनुसार किसी भी प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो उत्तर में प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग होता है। प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण उत्तर में पंचम वर्ण हो जाता है। आइए थोड़ी विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम वर्ण यानी क च ट त प, पंचम वर्ण यानी ङ इणि अण न म। इन दोनों से तो शब्द शुरू नहीं हो सकता, इसलिए क च ट त प के बाद अगर अण न या म आता है तो उत्तर में प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण यानी क के स्थान पर अगर क है तो क के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग, च के स्थान पर इणी, ट के स्थान पर अण, त के स्थान पर न और प के स्थान पर म, अर्थात इनके स्थान पर इसी वर्ग का जो पंचम वर्ण है उत्तर में हम उसे लिखते हैं। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसे और स्पष्ट रूप से हम समझें। वाक प्लस मय वांग्मय, यहां पर देखिए पंचम वर्ण है लेकिन क के स्थान पर हम उस वर्ग का जो पंचम वर्ण है यानी क के स्थान पर हमने अंग का प्रयोग किया है। वाक प्लस मय वांग्मय, सत प्लस मति सन्मति, यहां पर त है, त के स्थान पर त थ द ध न, तो त के स्थान पर पंचम वर्ण यानी न का प्रयोग किया है। षट मुख, यहां पर ट है, प्रथम अक्षर ट, ट के स्थान पर ट ठ ड ढ अण, यानी ट के स्थान पर हमने अण का प्रयोग किया है। मतलब प्रथम वर्ण जो है उसके स्थान पर हम उसी वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकती हैं और नीचे दिए गए बॉक्स में अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।